पूजन
वृंदावन रामचंद्र की जय। कालिका माता की जय। करते हुए जय काली मां रामला। दुर्लभ है अर्थात हम आपके
चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। हे प्रभु प्रणाम। हे मनु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे कृपा सिंधु कृपा नाथ, कहाँ तक अपनी बात छिपाऊं? आप हम पर सब कुछ प्रसन्न है तो मेरी एक इच्छा है, यदि हमें पुनर्जन्म मिला तो हम आपके स्वरूप के अपने घर में पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? हे प्रभु, हम दोनों की यह इच्छा है। हे मनु, मेरा वचन है पुत्र रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर अवतार लूंगा। पुनः प्रभु की स्वीकृति चाहती हूँ। माँ, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, इसीलिए मैंने आज ही तुम्हें माँ का संबोधन दिया है। प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, आप जब पुत्र रूप में मेरे घर आए तो जो भावदशा आपके अपने भक्तों पर रहती है वही मेरे रूप में ही रहे। तथा हे राजन, तुम्हें और क्या मांगना है? हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं मांगना, मगर एक याचना करनी है। मेरी मृत्यु भी आपके गृह में हो। तथा हे राजन, अब तुम मेरी आज्ञा से शेष जीवन इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर सुंदर आनंदों का उपभोग करो। समय आने पर तुम अयोध्या नरेश आज के घर दशरथ रूप में जन्म लोगे और सतरूपा महाराज कौश के घर जन्म लेकर कौशल्या नाम से तुम्हारी महारानी बनेगी। तब मैं स्वयं अपने अंशों सहित मनुष्य रूप धरकर यहाँ अवतार लूंगा। धर्म की रक्षा मर्यादा का पालन करूंगा, साथ ही जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह मेरी माया भी जनकपुरी में अवतार लेगी। त्रेता युग में तुम्हारा मंदिर पूर्ण होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। उर्वशी, आज तुम कोई मधुर संगीत सुनाओ जिससे आज मेरे मन की उदासी दूर हो सके।
संगीत में वो मधुरता है नहीं। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं उर्वशी, स्पष्ट कहो क्या बात है? महाराज, आज जब मैं घूमते हुए नंदनवन से गुजर रही थी तो देखती हूँ महाराज महापुण्य आलय में हिमालय में आसन लगाया है और कठिन तपस्या करके और संपूर्ण शरीर सुखा है। निरंतर जब वो उनके पर ध्यान है भगवान का, जगत की ना चिंताओं को भय नहीं ना होगा। तो क्या हुआ उर्वशी, इसी जब तप के प्रभाव से महामुनि नारद ने देवर्षि की उपाधि प्राप्त की है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। है ताप की सारी धरा आकाश झर झर कर रहा है, यही भाई पान अरे आसन के श्रीमान का आसन, मेरा आसन, आसन। ओ नारद, कपटी नारद, कैसे छोड़ूंगा ये शासन, कैसे हिलेगा ये इंद्रासन? मैं नारद को सब बता दूंगा, कैसे पाएगा वो इंद्रासन? मजा तब तो उसे तब का मिलेगा जब भाई से वो कापेगा, उसको एक उंगली में जब नाच नचा उंगलों में। और उर्वशी, अप्सरा संग कामदेव को भेजूंगा, तब उसके तब को मैं खंड खंड कर दूंगा। मैं उर्वशी, शीघ्र जाओ और कामदेव को बुला लाओ। देवराज के चरणों में कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय कामदेव, हमें विदित हुआ है कि महामुनि नारद अपने तपोबल से इंद्रासन पाने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए मेरी आज्ञा है जाओ अभी के राष्ट्र को तोड़ो, मुनि के धन को हिला दो, आसन जग मुंगा दो, मिटा दो सारे ज्ञान को। ओ सफल तुम इस कार्य में मुनि की तपस्या भंग हो, हर चाल तेरी हो सफल और उर्वशी की संग हो। महाराज की आज्ञा स्वीकार हो। सब हृदय लक्ष्य है कामदेव के, यह सभी जाना है, यह लड्डू मोहन भोग नहीं लोहे के चने चबाना है। यदि स्वामी की आज्ञा हो तो जीतू तीनों लोगों को, सिर्फ दो ही वश में करूँ मैं, नारद नारद को एक खिलौना है। प्रिय कामदेव और उर्वशी, शीघ्र जाओ और कार्य प्रारंभ करो। जवाब क्या महाराज?
कैसे चले आए आशीर्वाद से तू अपना परिचय दो। मुनि जी, दासी का नाम ऊर्वशी है, मैं सर्वी रहने वाली हूँ। ऊर्वशी, यह तपस्या भूमि है, इस नगर में तपस्वी रह सके और किसकी सामर्थ्य में जो इस तप को सह सके। गुरु जी, बन जाओ मेरे जीवन संगी और मेरे श्रृंगार, क्या रखा है जब तक मैं कर लाया मुझसे प्यार है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ, भोल यात्रा तुम जो भी हो शिवी तक जाओ, मेरे तप में बाहर न लो। प्रीति करनी है मुझे केवल श्री भगवान से, सत्य है मेरा कथन नहीं कह रहा अभिमान से। मुनि जी, हमें भी तो बताइए इस जब तक से आपको क्या मिलता है। अच्छा, पूछ मत आनंद की, रंग रंग में तेज है, रंग रहा मेरे हृदय को जगत का रंग रेत है। मुनि जी, छोड़िए ना, छोड़िए ना जब तक को, पास आई गंगा को छोड़कर पर्वत पर कुआं मत खोदिए, जिसके लिए आप ये जब तक कर रहे हैं उसकी खान पर उर्वशी आपके सामने खड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा द्रोणाचार्य, तेरे दूषित पशुओं से इस तपा भूमि का वातावरण भी दूषित हो रहा है। जो हम किया तुमने अभी तो सब दूंगा मैं तुझे, करता हूँ क्या चल रही है तुझे। क्षमा गुरु जी, क्षमा, हमें देवराज ने आपके तप को भंग करने हेतु भेजा है, मेरे साथ कामदेव भी है। कामदेव कहाँ है कामदेव? वो देखिए गुरु जी, पेड़ के ऊपर में छिपे हैं। आओ आओ कामदेव, क्यों डर रहे हो, आओ डरो मत। समादेव की समा आज भगवान शिव के उपरांत आके आता हूँ, कामदेव प्राप्त हुए। नारायण 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 नारायण, जीत लिया जीत लिया। आज महादेव के पास कामदेव को नाम ने जीत लिया जीत लिया। पक्षा और इस काम विजेता का प्रसंग तेरा स्वासी को सुनाता हूँ। नारायण 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 नार
काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें खुश होने की तो बात हो, आपके असीम कृपा पाल नवरत्न में भी कामदेव पर विजय पाई है। धन्य है नारद जी, धन्य है। काम विजेता की उपाधि लो, वो कल्याण तुम्हारा है। केवल तुम्हारी ही यह मोहन मंत्र हमारा। देवर्षि मेरी एक राय ध्यान रखना, अपने काम विजेता होने का प्रसंग श्री हरि से कभी मत कहना, क्योंकि उन्हें घमंड से सदा बह रहा। अच्छा मोहन, अगर विजय प्रेम जाइए नारद जी कथा। कैसे चीरते हो पूरे बहन के सर, कहते हैं श्री हरि को मन बताना। अरे इसीलिए तो पूरा गगन मंडल यहाँ पर है, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। अभी श्री सागर वासी को मैं राम विजेता का प्रसंग बताता हूँ। नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है। क्या नारद जी ने कामदेव पर विजय पाई है? धन्य है नारद जी, आप विजेता होते ही उन्हें अहंकार घेरता जा रहा है। तुम्हें उन्हें अहंकार से बचाना होगा। आप क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ प्रिये, तुम देखती जाओ, जरा माया को बुलाओ। माया आइए नारद जी, विराजिए, कहिए कुशल से तो है। हे विश्वनाथा, हे लक्ष्मी बोले, आप ही है हो, आप तो मैं कुछ विशेष प्रयोजन से आराम करो। मेरे राय जो कार्य है निसंकोच है, मांगे तो आया हूँ। नारद जी को
रूप राशि वाला जन का अभिमंडन तो दे दो। जो अज्ञानार ये लीजिए मुनि जी। जय हो तो भक्त अक्सर है आप हस्ती रामेश्वर जी जो तार आज आपने मुस्तक किया है उसे कभी नहीं भूलूंगा। अभी आपको कहता हूँ प्रणाम। अब तो केवल मुखोरिक की बात है। फिर बन जाऊ विष्णु धर्म मोहि तो उस पर लिपट ही पड़ेगी। एक बार हुआ थोड़ा सुंदर मौका होना दूसरी बार मुर्गा धोना के रूप का होगा। तो हरे कमंडल की उसके कंडल जहां तक तेरे गुण गाओ। तीसरी बार होगा धोना साक्षात विष्णु वंदना। अच्छा अब चलो मोहनी क्या देख रही होगी। मैं हूँ मगर आप धर्म जाऊँ
के अनुसार मैं विष्णु हूं या आपने इस निर्जल वन में एक पराई स्त्री से बातें करते नजर नहीं आती। बड़ी अनजान बनती हो, बहुत ही सुंदर। अच्छा अब ये तो बताओ, सब सब बताओ मोनी, मैं विष्णु को कैसे दिख रहा हूं, कितना सुंदर बताओ ना, ये बात बताऊ सुंदर। और आप सब कुछ कीचड़ हो कि धूल हो, उद्यान की जगत में रम की धूल हो, जिसने ऐसा रूप दिया उसके ही बन जाओ तुम। सुंदर का की छटा किसी दर्पण में देखा हो तुम। मोहनी कहो मोहनी, अरे कहाँ चले गई मोहनी, ओह मोहनी कहाँ चली गई मोहनी, ना मोहनी है। अच्छा चलो इस सरगा है उसी छे के वहां पर आते हैं। राम भगवान जय हो नारद जी विराजी। आज तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हे भगवान श्री भोजन भगवान, आज तक मैंने नहीं सुना, आज जो कमंडलम अवश्य कुछ करके दिखलाएगी। अजी मुनि जी सुनिए तो, मन के ही अंदर हो, जरा शीशे में तो देंगे क्या सूरत अंदर हो। क्या घूम के बोला तू वैष्णव छय हो प्रकृति हो निरंकुश हो, तुम्हारे इस कपट चाल के लिए तुम्हारे इसी कमंडल के जल से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार स्त्री वियोग कराकर उन्हें दुखी किया है, उसी प्रकार त्रेतायु में पृथ्वी में जन्म लेकर तुम्हें भी पति वियोग में बंधन डरना पड़ेगा। जिस बंधन का मुंह देकर तुमने मुझे उपहास का पात्र बनाया, उसी बंधनों की तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। अरे बच्चों और मुझ पर हंसने वालो, जाओ तुम सब वास्तविक जीवन बनाओ, क्षमा करो तो जाओ त्रेता युग में राम के नाम से तुम्हारा उद्धार होगा। बस चुप क्यों हो गए नारायण जी, कुछ और बोलिए। अपनी क्रोध की गलता में मेरी भी तो शांति लीजिए। नहीं प्रभु, कुछ बड़ी भूल हो गई, मैं क्रोध के आवेश में चुपचाप कह गया, मेरा सब मीठा हो गया प्रभु, मुझे क्षमा करें। आप निश्चित रहें नारद जी, भक्तों का जिस प्रकार भला हो मैं वही करता हूँ, मेरी भी सब लीला थी, मैंने ही खेल रचाया था, तुमको माया के चक्कर में मैंने जीवन कराया था। अब हुई आशा पूरी मेरी, चिंता की कोई बात नहीं, यह शाप के डर के मिलता है, यह भार नहीं प्रतिभात है। नारद जी अब आप जाइए,
और दुर्गा का भजन कीजिए। राम रहो राम की मारे।